नमस्कार, न्यूज स्टेट्स के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ धीरेंद्र अवस्थी और मेरे साथ में मेरे सहयोगी गौरव। आज हम चर्चा करेंगे यूपी में चुकी उपचुनाव को लेकर काफी ज्यादा गहमा गहमी देखने को मिल रही है। अभी तक लगातार प्रत्याशियों के नामों को लेकर मंथन चल रहा था, अब एक एक करके सभी दलों की तरफ से लिस्ट जारी कर दी गई है। बीजेपी की तरफ से भी 7 प्रत्याशियों का आज ऐलान किया गया है, उस पर भी हम गौरव चर्चा करेंगे। चूंकि पीडीए यहाँ पर एक बड़ा समाजवादी पार्टी का फॉर्मूला था जो कि लोकसभा चुनाव में देखने को भी मिला, अब उसको टक्कर देने के लिए आज जो प्रत्याशियों की लिस्ट आई है बीजेपी की, 7 प्रत्याशी उसमें घोषित किए गए हैं। 4 उसमें से ओबीसी हैं, 1 दलित है, 2 सामान्य वर्ग से हैं। यानी कि बीजेपी की तरफ से कहीं ना कहीं पीडीए फॉर्मूले को टक्कर देने की कोशिश की गई है, उस पर भी चर्चा करेंगे। साथ ही साथ जो 2 सीटें अभी रह गई, 9 सीटों पर 13 नवंबर को मतदान होना है, 1 सीट पर बाद में मतदान होगा क्योंकि उस सीट का मामला कोर्ट में चल रहा है। जो 2 सीटें रह गई हैं इसमें से मीरापुर सीट, जहां से आरएलडी को अपना प्रत्याशी घोषित करना है, हालांकि कल नामांकन का आखिरी दिन है, हो सकता है कि आज शाम तक या फिर कल आरएलडी की तरफ से भी प्रत्याशी घोषित कर दिया जाए। सीसामऊ सीट इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये इरफान सोलंकी वाली सीट है। इरफान सोलंकी को जब सजा हुई थी तब ये सीट खाली हुई थी, अब उनकी पत्नी को यहाँ से समाजवादी पार्टी ने टिकट दिया है। बीजेपी की तरफ से सीसामऊ सीट पर अभी तक कैंडिडेट घोषित नहीं किया गया, बहुत मजबूत सीट है समाजवादी पार्टी की, इस पर भी चर्चा करेंगे। साथ ही साथ निषाद पार्टी, संजय निषाद गृहमंत्री अमित शाह से मुलाकात करने के लिए दिल्ली पहुंचे थे, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी उनके साथ में थे। संजय निषाद को क्या ये जो आखिरी सीट बची है सीसामऊ, ये सीट दी जाती है या फिर इस बार के उपचुनाव में संजय निषाद को ऐसे ही संतोष करना पड़ेगा? गौरव, सबसे पहले बात करते हैं बीजेपी की जो आज 7 प्रत्याशियों की लिस्ट आई, किस तरह से देखते हैं, क्या ये जो नाम है जो समीकरण बैठाया गया बीजेपी की तरफ से वो टक्कर दे पाएगा समाजवादी पार्टी को? देखिए, एक तो बहुत कसमोकस के बाद बीजेपी की लिस्ट आई है। कई दिनों से रोज अटकलेबाजी लगती थी कि रात को 11 बजे लिस्ट आएगी, शाम 10 बजे लिस्ट आएगी, तो बड़ी अटकलेबाजी के बाद एक आध लिस्ट आई है। लिस्ट आई भी है तो वो पीडीए का कॉपी आई है। जो राजनीतिक जानकारों का मानना है कि जो ये लिस्ट भी आई वो पीडीए कॉपी आई है। अब ये जनता, हालांकि कॉपी तो इन्होंने बड़े अच्छे तरीके से करा है, जो पीडीए का फॉर्मूला था आपने देखा होगा, जो 4 ओबीसी हैं वो 4 ओबीसी भी, ओबीसी जो जाति है उनमें भी अलग अलग जाति के, आपने देखिए अनुजेश यादव को उन्होंने करहल से टिकट दे दिया, सुचिता मौर्य को उन्होंने मझवा से सीट दे दिया, हालांकि मझवा अपने आप में एक बड़ा हॉट सीट था इस उपचुनाव में। कटहरी से उन्होंने धर्मलाल निषाद जो पूर्व मंत्री थे, और फूलपुर से दीपक पटेल को दे दिया जो पूर्व सांसद केसरी देवी के लड़के हैं। तो आप देखिए कि जिस प्रकार से एक जो बीजेपी का जो एक कोर वोट बैंक रहा है ओबीसी, जो गैर यादव ओबीसी वोट को अपना कोर वोट बैंक ऐसे घोषित करती रही है, ऐसा हमेशा करती रही है कि हमारा जो कोर वोट बैंक रहा है, तो उसको एक साधने का प्रयास किया गया है। लेकिन जिस प्रकार से जो अभी आया है, जो बीजेपी की लिस्ट आई है जिसमें सभी जातियों को साधते हुए जो एक बैलेंस्ड सीट बनाई गई थी बीजेपी की तरफ से, तो उसको कहीं ना कहीं एक पीडीए का जो कॉपी माना जा रहा है। हालांकि ये जनता तय करेगी कि कॉपी की मजबूरी भी हो गई है, क्योंकि अब यहाँ पर बीजेपी के लिए साख का सवाल हो गया है। उपचुनाव जो है बीजेपी के लिए बहुत बड़ा साख का सवाल है, एक मैसेज भी जनता में उन्हें देना है कि क्योंकि लोकसभा का प्रदर्शन बीजेपी का उत्तर प्रदेश में अच्छा नहीं था, ऐसे में उपचुनाव की जिम्मेदारी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने कंधों पर ली है। देखिए, टिकट का जब बंटवारा होना था, प्रत्याशियों के नामों का ऐलान होना था, तो यहाँ उत्तर प्रदेश से लेके शीर्ष नेतृत्व तक लगातार मंथन चला है, हर जगह से 3-3 नाम गए थे, उनको उन पर फीडबैक दिया गया, तमाम कार्यकर्ताओं से चर्चा की गई, गृहमंत्री और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा लगातार उन नामों को लेकर मंथन करते रहे। तो बीजेपी कहीं इस उपचुनाव में कोई सी भी चूक नहीं करना चाहती, क्योंकि अगर यहाँ उपचुनाव में बीजेपी हारी, समाजवादी पार्टी यहाँ पर सीटें ज्यादा जीत जाती है, तो फिर एक बार मैसेज जाएगा जनता के बीच में कि अब बीजेपी यहाँ से धीरे धीरे कमजोर पड़ती हुई प्रदेश में दिखाई दे रही। मुझे ऐसा लगता है कि जो ये उपचुनाव हो रहा है उत्तर प्रदेश में, ये बीजेपी और भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी दोनों के लिए एक लिटमस टेस्ट है 2027 चुनाव से पहले। क्योंकि अगर आप इस तरह देखिए ना, 2024 के लोकसभा चुनाव में जो मोमेंटम समाजवादी पार्टी की तरफ शिफ्ट हुआ है उसको बरकरार रखने की चुनौती अखिलेश यादव पर है, तो जो 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद अन्य राज्यों के जो रिजल्ट आए हैं, जो मोमेंटम शिफ्ट होता अन्य राज्यों में एनडीए गठबंधन से एनडीए की तरफ शिफ्ट हुआ है, उस मोमेंटम को बरकरार रखने की चुनौती एनडीए के पास है, एनडीए के लिए है। तो देखिए, जिस प्रकार से पूरा मौका आपने देखा होगा, आपको याद होगा कि जिस प्रकार से एक वो बयान आया था
योगित्यनाथ का आगरा में कटोगे बटोगे उसको लेके किस प्रकार से राजनीति हुई, उसके बाद उसका इम्पैक्ट आपने देखा हरियाणा चुनाव में कैसे पड़ा, उस बयान को लेकर देखिए महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में भी बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने लगाया, बीजेपी के कार्यकर्ता उस बयान का इम्पैक्ट तो पड़ा है। तो जिस प्रकार से आप देखिए कि ये चुनौती दोनों तरफ से है, आपने देखा होगा किस प्रकार से कल अखिलेश यादव के जो समाजवादी पार्टी कार्यालय है उस पर 27 का सत्ताधीश करके एक बैनर भी लगा था, तो कहीं ना कहीं जो दोनों पार्टियां हैं इस पूरे चुनाव को एक सीरियस मोड में ले रही है। हालांकि आपने पहले देखा हो जिस प्रकार से उपचुनाव होते थे राजनीतिक पार्टियां इस तरीके से चुनाव को सीरियस मोड में नहीं लेती थी, लेकिन जैसे ये उपचुनाव जो ये उत्तर प्रदेश का हो रहा है, आप देखिए किस प्रकार से दोनों जो दल हैं, आपने देखा होगा सीसामऊ की जो सीट थी, सीसामऊ सीट थी जहाँ पे नगर अध्यक्ष, नगर पालिका अध्यक्ष और नसीम सोलंकी के समर्थकों के बीच में हाथापाई की स्थिति आ गई, जहाँ अनबनती हो गई, तो सीधे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो अखिलेश यादव उनको हस्तक्षेप करना पड़ा। सोचिए नगर अध्यक्ष जो नगर लेवल की कमेटी है उस झगड़े को सुलझाने के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष अगर हस्तक्षेप कर रहे हैं, तो आप देखिए कि चुनाव को अखिलेश यादव कितना सीरियस ले रहे हैं, क्योंकि वो चाहते हैं। और आपने देखा हो कल रात को जैसा ट्वीट आया था अखिलेश यादव का कि 9 सीटों पर हम चुनाव लड़ेंगे, लेकिन कांग्रेस पार्टी के साथ कंधम कंधे मिला के उन्होंने एक बड़ा सा लेख लिखा था, वो पूरा एकदम कांग्रेस से सीटों के बंटवारे को लेकर उतनी सहमति बन नहीं पाई, क्योंकि कांग्रेस की तरफ से पांच सीटें मांगी जा रही थी समाजवादी पार्टी की तरफ से दी नहीं, उसके बाद बीच में कांग्रेस पार्टी तरफ से ऐलान किया गया कि कांग्रेस पार्टी उपचुनाव नहीं लड़ेगी। जो खैर और गाजियाबाद की सीट छोड़ी गई थी वो सीट पे समाजवादी पार्टी ही लड़ेगी। अखिलेश यादव ने कल ट्वीट करके बताया कि जो कांग्रेस के नेता समाजवादी पार्टी के सिंबल पे चुनाव लड़ेंगे। अब ये 25 तारीख को नामांकन का आखिरी तारीख है, अब आखिरी तारीख जब है तो उस वक्त तक क्या स्थिति साफ हो पाती है, क्या कांग्रेस से कोई नेता निकल कर सामने आएगा या फिर समाजवादी पार्टी के सिंबल पे कोई कांग्रेस का नेता चुनाव लड़ेगा, स्थितियां अभी साफ होनी बाकी है। लेकिन फिलहाल अंदर कहीं ना कहीं कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता दुखी हैं, समाजवादी पार्टी के सिंबल पर वहां चुनाव लड़ा जाएगा, समाजवादी कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ताओं के नेताओं की जो तैयारी कर रहे थे कि हमें टिकट मिलेगा तो हम चुनाव लड़ेंगे, वो नाराजगी कहीं ना कहीं देखने को मिली। सबसे बड़ी नाराजगी जो है वो मझवा सीट को लेकर और फूलपुर सीट को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं में, आपने देखा होगा कि जब 40 साल बाद के एक लंबे अंतराल के बाद इलाहाबाद की सीट जब कांग्रेस पार्टी खाते में है तो वहाँ कार्यकर्ता सम्मेलन कराया गया, वहाँ पे प्रदेश के जितने भी कांग्रेस के बड़े नेता हो चाहे वो प्रमोद तिवारी हो, वो सम्मेलन में क्या हुआ था, भी देखा था, वो सारे हाथापाई हो गई थी आपस में, वो गए थे, लेकिन वहाँ कार्यकर्ताओं का आपने एक मनोवैज्ञानिक जो एक बढ़त देखा होगा, वो वहाँ जो कांग्रेस के कार्यकर्ता थे उनका जो मनोबल था वो हाई था। तो जो कांग्रेस के जो शीर्ष अस्तित्व स्तर के जो नेता है प्रदेश में हो चाहे वो जो यूपी से ताल्लुकात रखते हो और केंद्र में हो, उनका भी मानना था कि जो मोमेंटम एक शिफ्ट हुआ है कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए, जो एक मोमेंटम हाई हुआ है इस वक्त, जो एनर्जी एक बूस्टर की तरह काम किया है क्योंकि लोकसभा का रिजल्ट इनके लिए, तो उसको बनाए रखने के लिए कांग्रेस को चुनाव लड़ना चाहिए। लेकिन जिस प्रकार से अभी शीर्ष नेतृत्व के हस्तक्षेप के बाद भी आपने देखा हो जिस प्रकार से राहुल गांधी ने अखिलेश यादव से बातचीत भी करी, उसके बाद भी अगर बातचीत नहीं बन पाई, पंकज सर भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पंकज सर, जैसे अजय राय कह रहे थे भी कि हमारी अभी कोई सीटों को लेकर उतनी बात नहीं हो पाई है, जब अखिलेश यादव की तरफ से कैंडिडेट्स का ऐलान किया गया 6 सीटों पर, उसके बाद अजय राय की तरफ से कहा गया कि हमसे कोई बातचीत नहीं हुई, उसके बाद जब राहुल गांधी से उनकी बात हो गई, अखिलेश यादव ने ये ट्वीट करके कहा कि 9 की 9 सीटों पर अखिलेश समाजवादी पार्टी के सिंबल पर ही एनडी गठबंधन के जो प्रत्याशी होंगे वो चुनाव लड़ेंगे, तो अजय राय की तरफ से बयान आता है कि हमें इस बारे में कोई जानकारी नहीं, किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, इस चुनाव को जो आपको देखना इसको चाहिए, अब ये चुनाव सिर्फ समाजवादी पार्टी और बीजेपी का है, इसने कांग्रेस ने भी बहुत एक रणनीति के तहत कांग्रेस ने ये समाजवादी पार्टी के सामने हथियार डाले हैं, और उसका जो उसकी वानगी आपको अखिलेश यादव के ट्वीट से, जो अखिलेश यादव ने रात में जो ट्वीट किया उस रूप में आपको देखना चाहिए। हाँ, कांग्रेस की इच्छा थी जो 5 सीट के लिए उन्होंने डिमांड किया था, फिर बाद में हुआ जो 1 सीट समाजवादी पार्टी देने के लिए तैयार थी हरियाणा चुनाव में, कांग्रेस के जो आशानुरूप रिजल्ट नहीं होने के बाद फिर समाजवादी पार्टी 2 सीट देने के लिए तैयार हुई, फिर समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव 3 सीट तक देने के लिए, जो हमारे सूत्र बताते हैं 3 सीट तक अखिलेश यादव तैयार हो गए थे। लेकिन चूंकि इसमें चर्चा दोनों नेताओं में, अखिलेश यादव और राहुल गांधी में जो चर्चा हुई या शीर्ष नेतृत्व में जो चर्चा हुई थी चुनाव में, सिर्फ इस चुनाव में, ये जो उपचुनाव है ये उपचुनाव काफी मतलब मायने रखता है, इसको 2027 का ये विजय सेमीफाइनल के तौर पे देखा जा रहा है, और इस उपचुनाव से मोमेंटम की बात है, जैसे लोकसभा चुनाव में जिस तरह से कांग्रेस पार्टी को मोमेंटम मिला, इंडिया गठबंधन को मोमेंटम मिला, हरियाणा में जिस तरह से का रिजल्ट आया, हरियाणा के रिजल्ट के बाद कांग्रेस का जो मॉरल है जो बहुत ही लो हुआ, बहुत ही डाउन हुआ, क्योंकि वो लग रहा था जो हरियाणा चुनाव जैसे कांग्रेस को ओवर कॉन्फिडेंस था या कॉन्फिडेंस था जो हम ये चुनाव जीत रहे थे और जो इस तरह से, तो लेकिन चुनाव वहाँ हार मिली।
तो उसके बाद कांग्रेस ने भी अपनी रणनीति बदली। कांग्रेस ने जो वो जो मोमेंटम अब उसको बीजेपी को लोकसभा चुनाव के बीजेपी का मोमेंटम लो हुआ था, इनका हाई हुआ था, लेकिन हरियाणा चुनाव के बाद जस्ट उल्टा हो गया। बीजेपी का फिर से एक बार मोमेंटम बीजेपी ने गिना। अगर इस मोमेंटम पे अगर हरियाणा ये उत्तर प्रदेश के का भी के विधानसभा चुनाव में अगर समाजवादी पार्टी या इंडिया गठबंधन का प्रदर्शन कम से कम 5:5 नहीं रहता, अभी तो मतलब 9 सीट है, वैसे आपको एक सीट पे और होना है मजवा सीट पे, तो इस पे फुलपुर कौन सा सीट है जिसपे अयोध्या की सीट, अयोध्या वाली सीट पे, तो इसमें जो आप देख रहे हैं तो ये जो 9 सीट पे विधानसभा चुनाव होने हैं, इन चुनावों में कम से कम दोनों को 5-4 के आसपास का अगर ये नहीं होता है तो इसमें इसका डाउनफॉल माना जाएगा। तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने जो ये स्ट्रेटजी चला जो हमें एकजुट होकर चुनाव लड़ना है, समाजवादी पार्टी के इस पे बैनर के तले हमें चुनाव लड़ना है और मकसद हमारा चुनाव जीतना है। विधानसभा का जो उपचुनाव है, उपचुनाव हमारा मकसद चुनाव जीतना है, हम कंधे से कंधे मिलाकर लड़ेंगे। इसलिए कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी के सामने आत्मसमर्पण कहिए या जो भी अच्छा जो भी कहिए, बीजेपी ने पंकज सर जैसे कि पीडीएफ फॉर्मूले को टक्कर देने के लिए जो कैंडिडेट उतारे हैं उसमें 4 ओबीसी हैं, 1 दलित है, 2 सामान्य वर्ग के हैं, लेकिन जो सहयोगी दल हैं जैसे अभी तक निषाद पार्टी को एक भी सीट नहीं दी गई, हालांकि सीसामो सीट बची है, लेकिन हमें नहीं लगता कि सीसामो सीट बीजेपी निषाद पार्टी को देगी। एक सीट रालोद को दी गई है, मीरापुर की सीट, तो यहाँ पर क्या सहयोगी दलों की नाराजगी बढ़ जाएगी? नहीं, कोई नाराजगी नहीं बढ़ेगी। देखिए चुनाव से पहले जब तक टिकट का बंटवारा नहीं होता, जब तक ये नहीं होता, तब तक तमाम दलों का होता है जब हमें ज़्यादा हमें मिले, लेकिन जब आप समीकरण आप बैठा लेते हैं तो उसके बाद फिर ये हो जाता है। इसका जो अगर समाजवादी अगर बीजेपी ने निषाद पार्टी को की 2 सीटों की मांग थी, आरएलडी की 2 मांग थी, तो अगर उनको नहीं दिया तो इनका जो भुगतान है, एक तरह से बोलिए इसका भुगतान किसी और रूप में उनको कर दिया जाए, उनकी नाराजगी नहीं रहेगी। मेन जो ये दोनों को जो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के साथ हुआ वही लगभग इक्वेशन बीजेपी के साथ है, क्योंकि बीजेपी जो लोकसभा चुनाव के रिजल्ट के बाद बीजेपी का प्रदर्शन उस अनुप में नहीं रहा जो सहयोगी दलों का नहीं था। निषाद पार्टी जो दोनों सीट मांग रही थी वो दोनों सीटें उनका कहना था, जो हम जो 2022 का जो ये चुनाव था उसमें हमारे पास था तो हमारा होना चाहिए, लेकिन चूंकि राजनीति में परिस्थितियां बदलती है, उस परिस्थिति के लिहाज से एक जो है आपको आरएलडी को सीट मिलना तय माना जा रहा है, चूंकि वो जो आरएलडी का वहाँ वोट बैंक है उनका जो वो माना जाता है जो उनका बहुत मजबूत सीट है, तो आरएलडी वहां से वो सीट निकाल सकती है, ऐसा बीजेपी का आकलन है। अच्छा, प्रदेश में देखिए बीजेपी की सरकार है, बहुत सारा फायदा मिलता है अगर जिसकी सरकार रहती जी, है जी, उपचुनाव में उसका इंपैक्ट दिखाई भी पड़ता है जी। लेकिन अभी जो माहौल है प्रदेश में, बहराइच में दंगे हुए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से लगातार हिंदुत्व को लेकर धार दी जा रही, बयान दिए जा रहे हैं बटोगे तो कटोगे, अखिलेश यादव की तरफ से भी लगातार प्रहार किया जा रहा है, तो उसका कितना इंपैक्ट है? देखिए इसमें बीजेपी का, क्योंकि हरियाणा में जहां जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रचार करने गए थे उन सीटों पर बीजेपी का प्रदर्शन बहुत बढ़िया हुआ, और ये देखिए जो उसके कारण प्रदर्शन बढ़िया रहा तो अब इनका महाराष्ट्र में डिमांड सबसे ज्यादा डिमांड में, अगर प्रधानमंत्री मोदी और के बाद कोई है तो ये सीएम योगी है, योगी का बहुत ही वहाँ पे डिमांड दिखा रहा है, झारखंड से उनके लिए डिमांड आ रहा है। लेकिन जब हम उपचुनाव उत्तर प्रदेश उपचुनाव की बात करते हैं, उत्तर प्रदेश की राजनीति की जब बात करते हैं, तो लोकसभा चुनाव के बाद उत्तर प्रदेश ने जो अपना सियासी मंथन किया, जो हमें क्यों इस तरह से नुकसान हुआ उत्तर प्रदेश में बीजेपी को, तो उसमें जो चीज़ें निकल के आई, जो खामियां निकल के आई बीजेपी ने या उस योगी आदित्यनाथ ने पिछले 4 से 5 महीनों में उसे दूर करने का कोशिश किया, उसके बाद बीजेपी ने फिर से लोकसभा चुनाव के बाद बीजेपी एक बार फिर से जो हिंदुत्व का एजेंडा है, हिंदुत्व का एजेंडा का खास करके यूपी में उस पर एकदम डिटरमाइंड है, और उनका कहना जो हमारा जो अपना कोर है, कोर को सबसे पहले पकड़ो, और उन्होंने कोर पे उसी हिंदुत्व के एजेंडे, कटोगे बटोगे ये जितने भी आप नारे समझ में आ गया है कि जो प्रदर्शन 2022 में 17 में विधानसभा में या फिर 14 में लोकसभा में हिंदुत्व के बलबूते पर जो प्रदर्शन बीजेपी का था वो अन्य मुद्दों से उतना प्रदर्शन अच्छा बीजेपी का नहीं रहा। फिर से बीजेपी कहीं ना कहीं वापस हिंदुत्व के मुद्दे पर आ रही है। हाँ, और देखिए बीजेपी ना सिर्फ हिंदुत्व के मुद्दे पर आ रही, बीजेपी ने जिस तरह से टिकट का बंटवारा किया उससे साफ जाहिर है जो
अखिलेश यादव जो पीडीए का दम्भ भरते हैं या पीडीए के का जो वो उनका जो अपना प्रयोग है उस प्रयोग में बीजेपी सेंध लगाने में है, इसलिए आप देखिए जो 7 सीटों में से हुआ है, 7 में से 5 उन्होंने जो पीडीए वर्ग है उसको उसको टिकट दिया है। ओबीसी समाज से 4 टिकट है, चारों आप देखिए ओबीसी समाज में भी अलग अलग जाति के लोगों को दिया गया, उसके बाद एक दलित को दिया गया, उसके बाद देखिए सवर्णों को भी ये नहीं किया गया, इग्नोर नहीं किया गया, उनको उनकी भी नाराजगी मोड़ नहीं दी, एक ठाकुर से और एक एक ब्राह्मण को। तो जितनी भी जातीय समीकरण और जो भी होता है उसको बीजेपी ने साधने की कोशिश की। अब देखिए पीडीएम में यहाँ पे आप आ जाइए, अगर हम समाजवादी पार्टी की, तो समाजवादी पार्टी का जो 7 सीटें 7 में से उन्होंने पीडीएम में 6 और 1 सवर्ण में सीट दिया है, तो लगभग वही है जो बीजेपी का मकसद है, जो उनका जो मेन कोर वोट है उस कोर वोट को तो पहले इंटैक्ट रखो, उसके बाद आप कितना सेंध लगा सकते हो उसको सेंध लगाओ। और बीजेपी आप देखिए इसी मंथन में बीजेपी का लिस्ट कब जारी होता है, आज बीजेपी का लिस्ट जारी होता है 24 तारीख को होता है, 24 अक्टूबर को जारी होता है और 25 अक्टूबर नामांकन का लास्ट डेट है। बीजेपी कहने का इंतजार कर रही थी कि बाकी जो दल हैं उनकी तरफ से प्रत्याशी घोषित कर दिए, नहीं बीजेपी वो तो कर ही रही थी, लेकिन बीजेपी लास्ट मोमेंट तक ये तय मतलब इसमें गुना भाग जोड़ घटाव में वो बीजेपी लगी हुई थी जो क्या हमें फायदा हो सकता है, किस पे हम दौड़ लगाएं फायदा हो सकता है। बीजेपी ने हालांकि बीजेपी ने आज से 4 महीने पहले ही 3 से 4 नामों का उन्होंने तय कर लिया था, यही 4 चेहरों में से 3 चेहरों में से हमारा कोई एक कैंडिडेट होगा। उसके बाद समाजवादी पार्टी की तरफ से जैसे ही आया तो किससे कैसे, जैसे आप देखिए आप मैं 1-2 सीट का मैं जिक्र करूंगा बीजेपी का, जैसे जैसे हम बात करते हैं इसका करहल सीट का, तो देखिए करहल सीट पे जो तेज प्रताप यादव हैं, इसके अखिलेश के भतीजे हैं, मुलायम सिंह यादव के पोते हैं, वो अब ये सांसद भी रह चुके हैं, पिछली बार मैनपुरी यहाँ जहाँ से अखिलेश यादव ये बने सांसद बने वहाँ से वो चुल्लो सांसद मजबूत सीट है समाजवादी पार्टी की, वहाँ से अब देखिए करहल में ही जो समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता है करहल में ही बीजेपी को ने समाजवादी पार्टी को टक्कर दिया, जो अखिलेश यादव के बहन हुई है, अखिलेश यादव के उनको दे दिया उनको उनको टिकट दे दिया। तो मतलब देखिए परिवार को यहाँ पे परिवार से बीजेपी ने गिरा दिया, मतलब ये सीट भी काफी दिलचस्प हो गया, ऐसा नहीं जो मतलब। और बीजेपी ने उन सीटों पे जो 5 सीट बीजेपी इंडिया गठबंधन यानी सपा के कब्जे वाले सीट था वो जीत 2022 के चुनाव में जो 5 सीट सपा के खाते में आए थे, उन 5 सीटों पे बीजेपी ने खास तैयारी करके खास रणनीति के तहत बीजेपी ने प्रत्याशी को उतारा है, क्योंकि 5 जो इनका अपना सीट है तो ये बीजेपी का ये आकलन है जो वहाँ हम हमारा अपर हैंड है, लेकिन जो हमारे लिए टफ सीट है जो 5 टफ सीट जिसपे की 2022 के चुनाव में बीजेपी को मुंह की खानी पड़ी थी, उन सीटों पे जो समाजवादी पार्टी के खाते में आया था और उनके गठबंधन के खाते में, तो उन सीटों पे बीजेपी ने ज्यादा अपना प्रयोग किया है और ज्यादा उसको उसकी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश की। जैसे आप देखिए मझबा सीट है, मझबा सीट पे इन्होंने मौर्य बनाम बिंद का खेल कर दिया, दलित वोट बैंक वहां पे ज्यादा निर्णायक भूमिका में है, निर्णायक भूमिका में तो उन्होंने ये कर दिया। उसके बाद आप देखिए फुलपुर सीट है, फुलपुर सीट पे कुर्मी का दौर चल दिया, तो मतलब ये जो है सो जहां जिस तरह से सियासी समीकरण हुआ उस तरह से बीजेपी ने जहां परिवार से हुआ तो परिवार को कर दिया जहां मुमकिन लगा, और इसलिए इस चुनाव को बीजेपी किसी भी मतलब बीजेपी के लिए रन है, बीजेपी के लिए रन है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तो अग्नि परीक्षा है। 2024 के लोकसभा चुनाव में योगी आदित्यनाथ का इंटरफेयर उतना नहीं था, नतीजा सबके सामने था। अब योगी आदित्यनाथ ये प्रूफ करना चाह रहे हैं शीर्ष नेतृत्व का कि हमारे नेतृत्व में अगर इलेक्शन होता है तो हम इतनी सीटें निकाल सकते हैं, इतनी सीटें जिता सकते हैं, ये भी कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रूफ करना चाहेंगे इस बार के निश्चित रूप से। देखिए योगी आदित्यनाथ जैसे लोकसभा चुनाव हुआ, लोकसभा चुनाव के बाद आप देखेंगे उत्तर प्रदेश बीजेपी में काफी जो अंदरूनी कलह भी हमें देखने को मिली थी और चर्चा तो यहाँ तक हो गया था, हो सकता है सीएम योगी को कुर्सी तक गंवानी पड़े, लेकिन हाईकमान ने या पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने फिर मौके की नजाकत को समझा, केशव प्रसाद मौर्य जो भी थे वो असंतुष्ट थे उनको धरातल पे लाया, सबको एक साथ बैठक किया। उसके बाद से जितने 5 इनके बड़े नेता उत्तर प्रदेश के हैं, जैसे 2 मुख्यमंत्री हो गए आपको, मुख्यमंत्री हो गए, प्रदेश अध्यक्ष हो गए, तो इस तरह से लोगों को एक हर आदमी को कोशिश की पार्टी के अंदर सबको सामान्य है और हर को शीर्ष नेतृत्व ने हर नेता को जो को 5 बड़े नेता को 2-2 सीट दे दिया जो भैया आप यहाँ से करो, यहाँ पे आप मेहनत करो। और उसके बाद उन्होंने 30 का एक बनाया,
तो बीजेपी 4 महीने 5 महीने से लोकसभा चुनाव के 15-20 दिन आप छोड़ दीजिए, उसके बाद से ही बीजेपी उपचुनाव के, उत्तर प्रदेश बीजेपी उपचुनाव के मूड में आ गई थी। और एक एक सीट पे जो सीएम योगी खुद 4 से 5 दौरा कर चुके हैं और वहां के लिए विकास की जो योजनाएं होनी चाहिए, वहां के जो लोकल जो मुद्दे हैं उसको उन्होंने एड्रेस किया, उसके लिए उन्होंने जैसे सड़कें हैं, बिजली है, पानी है, जो भी है, तो उसमें लोकल स्थानीय मुद्दे जो थे सीएम योगी ने उसको खुद से ये किया है। लेकिन रन बहुत टफ है, एक तरफा ये होने वाला नहीं है, क्योंकि समाज काफी टफ है। क्योंकि देखिए, अगर 2022 का करें तो 5 समाजवादी पार्टी के खेमे, 5 बीजेपी के खेमे, तो मैच इक्वल है। और इस मैच में जो है उसके बाद दोनों टीमें लगातार तैयारी में जुटी, ऐसा नहीं जो अखिलेश यादव भी लगातार तैयारी थे, लगातार मंथन कर रहे थे, लगातार अपने नेताओं को पहले ही उन्होंने बोल दिया था जो जाओ तुम। लेकिन इस बार कांग्रेस के साथ में होने से कुछ फायदा कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी, निश्चित रूप से। देखिए, जब दोनों एक गुट हुए तो उसका तो हमें लोकसभा चुनाव में हमें दिख गया, और लोकसभा चुनाव में हमें देखा जो उन्होंने पर्सपेक्टिव सेट करने का किया था, जैसे संविधान के बारे में, आरक्षण के बारे में, आपको नौकरी के बारे में, तो उन मुद्दों से, जिन मुद्दों से बीजेपी को समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन ने और कांग्रेस ने घेरने की कोशिश की थी, सिर्फ उत्तर प्रदेश ने, पूरे अगर इधर देखें तो उन्हीं मुद्दों पे उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव फर्म होके उस पर काम कर रहे हैं और उस पर जनता के बीच वो कर रहे हैं। जैसे आप देखिए, जो सुरक्षा का मसला आया तो सुरक्षा मसला पे अखिलेश यादव भी लगातार एग्रेसिव रहे और उनको मसले को उठाते रहे। नैरेटिव पिछले दिनों हमने देखा, जो नैरेटिव जो सेट किया जा रहा था, जो अपोजिशन की तरफ से नैरेटिव सेट किया जाता था, उसी पे जो सत्ता पक्ष है वो पिच पे खेलती थी। लेकिन पिछले अब 15-20 दिनों से और एक महीने की अगर आप बात करें तो वो फ्लैट हो गया है। अब दोनों समान इस पे है, तराजू पे दोनों का पलड़ा समान है। पंकज सर, ये देखा जाए, मुद्दे चाहे जितने हो, आखिरी में आके चुनाव जातिगत समीकरण पर, देखिए वो तो प्रभावित करता है, और उसी के तहत आप जो दोनों को जो जातिगत समीकरण बिठा ले गया, सीट उसके पहले में चली जाएगी, जाहिर सी बात। तो देखिए, जब सियासी दलें टिकट बांटती है तो इनका पूरा एक एक वोट का वो हिसाब करती है, जो कहाँ पे क्या समीकरण है, कैसे किस जाति का कितना वोटर है, किसका कितना कैडर का वोट है, तो वो करती है। और उसी में जो अभी जो आज जो बीजेपी का जो आया है सीट का लिस्ट में आया है 7 सीटों पे, वो उसी को दर्शाता है। और आप थोड़ी देर में आपको जो ऐसे 2 सीट पे, और आज चूंकि आज ही आना है, कल नॉमिनेशन का लास्ट डेट है, तो वो भी हमें देखने को मिलेगा। समाजवादी पार्टी की तरफ से 2 आना है और इनकी तरफ से 2 आना है। चलिए, फिलहाल आप लोग क्या सोचते हैं, फिलहाल उपचुनाव में किसका पलड़ा भारी आपको दिखाई दे रहा है? जो प्रत्याशी आज जारी किए गए बीजेपी की तरफ से या फिर समाजवादी पार्टी की तरफ से, उनके बीच में कितनी फाइट यहाँ पर होती हुई दिखाई देगी? कांग्रेस का क्या रोल हो सकता है इस उपचुनाव में? और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से जिस तरह से लगातार एग्रेसिव बयानबाजी की जा रही है हिंदुत्व को लेकर, उसका कितना प्रभाव इस उपचुनाव में दिखाई देगा? और ये जो 9 सीटें हैं, इसमें कितना महत्वपूर्ण है बीजेपी का फिर से फाइट बैक करना, इन सीटों पर जीतना? क्या कुछ सोचते हैं आप लोग उपचुनाव को लेकर, कॉमेंट करके नीचे जरूर बताइएगा। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर। खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज़ नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।